आज बहुत पावन दिन हमारे हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने आज के दिन इस धराधाम पर अवतार धारण किया। मेरे भाई बहन, इसी कलियुग की घटना है। यदि भगवान शंकराचार्य नहीं हुए होते तो सोचिए हम हिंदू होते कि नहीं, इसमें भी संदेह। ये हमारे पूजा पाठ कथा कीर्तन कुछ होता कि नहीं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इस घोर कलियुग में अवतार धारण करके, आज आप देखो भगवान शंकराचार्य ने जो कार्य किया है, हमारे चारों धामों का अस्तित्व ही तभी है। यदि भगवान शंकराचार्य नहीं होते तो बद्रीनाथ की प्रतिमा को तो नारद कुंड में डाल दिया था, भगवान शंकराचार्य ने वापस उसमें प्रवेश करके निकाला, स्थापित किया। तो चार उन्होंने स्थान बनाए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चार हमारे धर्म के स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। आज भी वो परंपरा चल रही है। और भगवान आदि शंकराचार्य के निर्देश के अनुसार उन्होंने कहा, जो मेरी पीठ पर बैठेगा, मेरी गद्दी पर बैठेगा, उसको मेरे समान ही माने, मैं ही हूँ, ऐसा मान करके उसका वो करे, पूजन करे, वंदन करे। हम लोग उस पावन परंपरा से जुड़े हैं। आज उनका अवतरण दिवस है। मेरे भाई बहन, आप सभी को भगवान आद्य शंकराचार्य जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और